हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड सेकेंड एंड सब्जेक्ट वर्क एक्सपीरियंस। लेसन नंबर 5, सॉइल वर्क। सॉइल यानी मिट्टी का काम। द रेसेस बेल रैंग, यानी जो रेसेस की बेल है वो बजी। द टीचर इनटू द क्लास, ही आस्क्ड द स्टूडेंट, हैव यू एवर थॉट अबाउट द वेयर डू द ग्रेन्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स डेट वी ईट क्रो। जो हम अभी ये प्लेट में देखो, ये खाना रखा हुआ है। आप जब खाते हो तो आपको पता है ये प्लेट कहाँ से आती है, ये खाना कहाँ से आता है। सबको पता है, किसको पता है खाना कहाँ से आता है, ये खाना कहाँ से आता है, ये कौन उगाता है, किसकी वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो ग्रीन्स ग्रो करते हैं, वो वेजिटेबल ग्रो करते हैं। जब वो ग्रो होता है तो वो मार्केट में आता है और वह हम खाते हैं, उसको हम बना के खाते हैं। ओके, फ्रूट्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल ग्रो इन द सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी में, ये मिट्टी से उगते हैं। द वाटर एंड अदर एलिमेंट्स, द ये जो ग्रो इन द सॉइल, द वाटर एंड द एलिमेंट्स इन द सॉइल हेल्प द ट्रीज टू ग्रो, सनलाइट एंड ऑल्सो हेल्प द ट्रीज। यानी ये सॉइल में हम क्या करते हैं, ये मिट्टी में हम खाना उगाते हैं, ग्रेन्स उगाते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं। उसमें क्या लगता है उगाने के लिए, हमको ग्रो करने के लिए पानी लगता है, हमको सनलाइट और एयर लगता है, यानी सूरज की रोशनी लगती है। तो ये हेल्प करती है द ट्रीज टू ग्रो, जो झाड़ होते हैं उसको ग्रो करने में। द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड एंड ग्रो फूड फॉर अस। जो फार्मर्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, फील्ड में, यानी इसमें फार्म में काम करते हैं, यानी खेत में काम करते हैं। और ये खेत में काम करने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, फूड ग्रो करते हैं, यानी खाना हमारे लिए ग्रो करते हैं। जैसे अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो कहाँ ग्रो करते हैं, फार्म में, यानी फील्ड में। वी बाय वेजिटेबल ग्रेन्स, हम जो ये वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स और अनाज है, ये कहाँ से, फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। हम लोग ये कहाँ से खरीद के लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। एंड कुक अवर फूड, और हमारे लिए खाना बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, ये फार्मर क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद वो कहाँ जाता है, ये सब मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद ये चीज़ें हम खरीद के हमारे घर पर लेके आते हैं। घर पर लेके आने के बाद हम उसको क्या करते हैं, खाना पकाते हैं और कुक करते हैं और हम खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी जब भी हम खाना खाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, कि फार्मर्स को ग्रो करने के लिए ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद वो सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, और मार्केट में आने के बाद हम उसको ख़रीदते हैं, फिर उसको हम पका के खाते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या बताना है, वी मस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सॉइल, वी मस्ट ऑल्सो लर्न टू वर्क इन दिस सॉइल। अभी हम ये मिट्टी है, मिट्टी से कुछ बनाने का हम सीखेंगे। आप लोग कभी देखो बीच पे गए हो तो रेती से खेलते हो, हम अगर रास्ते में रहे, हमारे गार्डन में अगर मिट्टी है तो हम उधर मिट्टी से खेलते हो। तो हमको क्या करना है, अभी हमको कुछ जमा करना है, प्रिपेयरिंग बॉल्स ऑफ सॉइल, यानी हमको मिट्टी का गोला बनाने का तरीका हमको देखना है। एकदम चिकनी मिट्टी करना है उसको। तो फर्स्ट हमको क्या लगेगा, मटेरियल सॉइल लगेगा, यानी मिट्टी लगेगी, सेव यानी जो हम जिसे छनते हैं वो छन्नी लगेगी, वाटर, अ बिग पैन, एक बड़ा सा पैन चाहिए, एक वाटर चाहिए, प्लास्टिक शीट चाहिए जिस पे हम मिट्टी को डालेंगे, और वुडन ब्लॉक और स्टोन जिससे हम क्या करेंगे, मिट्टी को ये करेंगे, क्रश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या क्या लेना है, हमको मिट्टी लेना है, सॉइल लेना है, सीव लेना है यानी हमको छन्नी लेना है, उसके बाद हमको वाटर लेना है, हमको बिग पैन लेना है जिसमें मिट्टी जमा हो जाएगी, और प्लास्टिक शीट लेना है, प्लास्टिक शीट लेना है। उसके बाद ये जो लकड़ी का टुकड़ा लो, या तो आप एक स्टोन लो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कलेक्ट सम सॉइल्स, कुछ मिट्टी जमा करना है सराउंडिंग एरिया से, आसपास के एरिया से। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसके अंदर उसको स्टोन या जो वुडन ब्लॉक हमने लिए है, वो वुडन ब्लॉक से क्या करना है, उसके ब्रेक करना है, यानी उसको तोड़ना है, लम्ब्स, उसके जो लम्ब्स होते हैं जैसे गट्टे बने होते हैं, उसको तोड़ना है और उसको एक क्या करना है, एकदम फाइन सॉइल बनाना है। ठीक है, यानी सब लम्ब्स को उसको हमको तोड़ना है। तो द सॉइल, सबसे पहले एक प्लास्टिक शीट जो लिए थे हमने, उसके ऊपर उसको ये सब चीज़ों को डालना है।
ये क्रश करने के बाद, सॉरी प्लास्टिक शीट अभी क्या करना है हमको, क्रश कर दिया हमने, क्रश करने के बाद हमको क्या करना है उसके अंदर, तो उसको छन्नी में डालना है वो मिट्टी को सारी, और जो प्लास्टिक शीट लिए थे हमने बिछा दिए थे उसके ऊपर उसको छनना है, और छनने के बाद क्या हो जाएगा, जब शेविंग हो जाएगी तो जो अच्छी मिट्टी है वो प्लास्टिक शीट पे गिर जाएगी और बाकी के जो स्टोन्स है वो सेम में जमा हो जाएंगे, उसको क्या करना है फेंक देना है। अभी उस जो मिट्टी जमा हुई प्लास्टिक शीट में उसमें थोड़ा सा लिटिल पानी डालना है और उसको क्या करना है हमको उसको उसका गोला बनाते जाना है, यानी उसको हमको मिक्स करते जाना है अच्छे से, और मिक्स करने के बाद उसको हम छोटा छोटा एक क्या करेंगे उसके बॉल जैसा बनाएंगे। अब वो जब बॉल हो जाएंगे एक हार्ड डो के जैसा एक हम गोला बना देंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वो गोले से हम क्या कर सकते हैं, बॉल से क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी खिलौने बना सकते हैं उसके, कुछ कुछ भी शेप दे के हम उसका क्या कर सकते हैं, एक क्ले के जैसा होगा, जैसे हम क्ले कसम बाज़ार से ख़रीद के ही बनाते हैं, उसके फ्रूट्स बनाते हैं, कभी उसके हम लोग उसके एनिमल्स बनाते हैं, उसी तरह ये जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है उसका भी हम एक क्ले के जैसा ही होता है, वो क्ले के हम क्या बना सकते हैं उसको अलग अलग शेप दे के उसका हम ये बना सकते हैं, जैसे हम कार्टून बना दो कुछ, कुछ हम फिश बना दो, कुछ हम फ्रूट्स बना दो, उस तरह हम उसको बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।